मेरी सर्टिफिकेट कैसे बनता है, यानी कि मेरी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, विवाह का पंजीकरण कैसे किया जाता है, तो इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास लड़का और लड़की के एक तो आधार कार्ड हो गए, दूसरा अपने पास एज प्रूफ होना चाहिए। एज प्रूफ में यानी कि लड़का है और लड़की की स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, अगर स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। अगर आपके पास स्कूल मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप स्कूल से भी लिखवा सकते हो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, यानी कि आप कभी तो स्कूल में गए होंगे। अगर आप अनपढ़ है तो उसका एफिडेविट लग जाएगा। दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपके माता पिता के आधार कार्ड, यानी कि जो आपके माता पिता है उन दोनों की तरफ से आधार कार्ड, अगर किसी की डेथ हुई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लग जाएगा। और टू विटनेस यानी कि दोनों तरफ से दो गवाह भी चाहिए, सिर्फ दो गवाह, लड़का की तरफ से आ सकते हैं, लड़की की तरफ से आ सकते हैं, ठीक है। गवाह वही देने हैं जो एक उस दिन अपॉइंटमेंट के दिन आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा जिस पंडित जी ने आपकी शादी करवाई है उन पंडित जी का आधार कार्ड, और एक कागज भी बनता है मंदिर की तरफ से, उन कागज पे पंडित जी के साइन भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइल तैयार होती है, ठीक है। तो इस तरह हम तैयार करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कर रखी है पूरी फाइल, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बाद ये तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है भी हम ये कहां करवा सकते हैं, तो एक तो हो गया जहां पे लड़के का एड्रेस है वहां भी आप मैरिज का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। दूसरी जगह है लड़की का जहां पे एड्रेस है, यानी कि जहां उसका मायका है वहां भी आप बनवा सकते हो। तीसरी जगह, वैसे तो आमतौर पे मायके में ही शादी होती है, कई बार क्या होता है तीसरी जगह जहां उन दोनों की शादी हुई है उस जगह पे भी आप उसका दिखा सकते हो, शादी वहां हुई है तो वहां भी आप मैरिज का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये जो वीडियो बना रहा हूं ये सिर्फ हरियाणा वासियों के लिए है, ठीक है, या हरियाणा में उनकी शादी हुई है, सिर्फ आप इस वीडियो के जरिए हरियाणा में मैरिज का पंजीकरण करवा सकते हो। ये जानकारी आपको राजस्थान या पंजाब में नहीं काम आएगी, वहां का आप वहां के वकील से पूछ लेना। ये सिर्फ वीडियो है हरियाणा में विवाह पंजीकरण करवाने के लिए, ठीक है, तो आप करवा सकते हो इस तरह से। इसके बाद बात आती है एक फाइल तैयार होती है, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद में एक फाइल तैयार होगी पूरी, उसमें पूरा फॉर्मा होता है, वो आप चाहो तो मेरे द्वारा भी करवा सकते हो, मेरा ऑफिस सिरसा हरियाणा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप आ सकते हो और तैयार करवा सकते हो। उसके बाद फाइल ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन होने के बाद एक अपॉइंटमेंट मिलती है अपने को, उस दिन दोनों लड़का लड़की माता पिता और दो गवाह इनके साथ तहसीलदार के सामने पेश होना पड़ता है, ठीक है। जिस दिन हम पेश होते हैं उस दिन ही अपना मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाता है, कई जगह एक दो दिन के बाद मिलता है। इसके अलावा एक और जरूरी बात, ये शादी का जो पंजीकरण है हमें शादी के 3 महीने के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए। अगर हम 3 महीने निकाल देते हैं शादी होने के बाद तो उसके बाद क्या होता है, एक तो हमारी फीस भी ज्यादा लगती है और इसमें क्या होता है फिर टाइम भी थोड़ा लग जाता है, क्योंकि ये जो फाइल है अगर 3 महीने से 6 महीने के बीच में हम करवाते हैं तो एसडीएम साहब के पास जाती है, अगर 6 महीने के बाद का टाइम निकल गया तो ये फाइल जाती है डीसी साहब के पास, यानी कि पहले तहसीलदार के पास जाएगी, फिर एसडीएम साहब के पास जाएगी, फिर जाएगी डीसी साहब के पास, फिर वापस तहसीलदार के पास आती है, फिर वो जारी करते हैं, इसमें टाइम लग जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए अपने को जो मैरिज का सर्टिफिकेट बनवाना होता है वो अपने को शादी के 3 महीने के अंदर अंदर बनवा लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ सरकारी स्कीमें भी होती हैं, ठीक है, विवाह शगुन योजना के तहत, तो इस तरह के जो फायदे अपने को मिलते हैं तो वो अपने को ले लेने चाहिए, ताकि अपने ये एक तो अपना ये मैरिज का सर्टिफिकेट भी बन जाता है और दूसरे हम फायदे भी ले सकते हैं। 3 महीना निकाल दिया तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते जो स्कीम के हैं, और दूसरा अपना मैरिज का सर्टिफिकेट भी लेट हो जाता है, फीस भी एक्स्ट्रा लगती है। तो कोशिश करिए अगर आपकी शादी हो गई है अरेंज मैरिज तो आप ये मैरिज का सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। कई बोलते हैं जी हमें क्या जरूरत है, आपको आज जरूरत नहीं है, 6 महीने बाद 6 साल बाद आपको कभी भी इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, आगे बच्चों को जरूरत पड़ेगी, फिर टाइम भी लगता है, पैसे भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो इसलिए बनवा लेना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हो, या आपके नजदीक में कोई है वहां पे वकील साहब जान कर तो वहां से बनवा सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।